आईएनडी का क्या होगा? प्लेयर्स का आगे ऑब्वियसली यार उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान किया हुआ है, और व्यूमर्स जो आप लोग सुन रहे हो वही मैं भी सुन रहा हूँ, तो अच्छा होगा अगर ऐसा होता है। ऑब्वियसली आईएनडी ने बहुत लंबा समय बिताया कम्युनिटी में, और वही बात बोलूंगा कि वो जो सडन बूम आया था इंडियन स्पोर्ट्स की ग्रोथ में, तब आईएनडी, टीएसएम, एनटीटी, उस टाइम की एनटीटी घातक भाई जो लीड करते थे, और सोल, इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अच्छी जर्नी थी, 2019 से स्टार्ट हुई थी आईएनडी की 2021 तक की, एंड अच्छा है। प्लेयर्स अगर यहाँ से किसी बड़े नाम के साथ जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो एज अ प्लेयर परस्पेक्टिव बेटर है। इट्स नॉट लाइक कि आईएनडी का सफर यही था, कुछ ना कुछ और ट्राई आउट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से आईएनडी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाती रहेगी। लेट्स सी आगे क्या यस होगा। आप में व्हेन विल लैन इवेंट बी बैक इन इंडिया? होने वाला था, सुनने थे ना कि रेड बुल का लैन इवेंट आ रहा है, बट वो कैंसिल हुआ। नहीं सो लेट्स सी, अभी ऑफिशियल इवेंट्स में कुछ ना कुछ आते हैं तो यूज ऑन गातक। हाँ, भाई टू मेक इट वेरी लाउड एंड क्लियर, जो भी गातक भाई ने स्टोरी डाली उससे मेरे एनालिसिस का कोई फर्क नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। गातक भाई और मैं बहुत ज्यादा क्लोज हैं, हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। गातक भाई कभी नहीं कर सकते ऐसा, ऑब्वियसली वो मुझे पता है, बट फॉर दोस्त जो हमारे बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं, वो तो यही इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अपनी टीम पे ध्यान ना दे के दूसरों का एनालिसिस करने वाला इस टाइम आया भी है। सब ये सोच रहे कि वो मैं ही हूँ, बट उनका विजन कुछ और था, उनका जो एंगल था वो कुछ और था। जो भी था वो जानता हूँ, वो भी जानते हैं अच्छे से, बट मैं नहीं हूँ। और जो भी था वो सिंसियर डिसीजन है या जो भी है, मुझे जितना हेट मिला वो मैंने झेल लिया। एक टाइम तक के लिए जो स्पैम आया वो मैंने झेल लिया, बट एक चीज क्लियर है कि अब एनालिसिस ऑन स्ट्रीम करने बंद है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली घातक वाइज पोस्ट, आई एक्चुअली सॉ नंबर ऑफ हाइलाइट्स, जितने भी हाइलाइट्स डालते हैं मायावी व्यूज ऑन टीएस, मायावी व्यूज ऑन सोल, उस पे भी कमेंट्स में मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा। दो तीन पे तो मैं जाके कमेंट भी करके आया कि ठीक है, प्रोबेबली दैट वाज माय लास्ट एनालिसिस एनालिसिस वीडियो, सो आई वोंट कंटिन्यू द एनालिसिस स्टफ।